मित्रों, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ है और खास तौर पर पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सबसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूँ, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधा आधे घंटे से बैठ करके वे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय की ओर अग्रसर करने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अवसर पर उन सभी को जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, आज अब वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है पूरे देश के अंदर एक साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स को इसके साथ जोड़ा गया है। ये जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है। इसके बाद
कम से कम 12 से 15 दिन का इंतजार करके, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा। सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी, दो गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये महत्वपूर्ण होगा, और उसका पालन करते हुए निश्चित ही ये वैक्सीन कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं अपने सभी हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड फेज में या वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जुड़े हुए जवान, राजस्व से जुड़े हुए, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, उन सभी को, सफाई कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को और 50 साल से नीचे के उम्र के उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन्हें इसके लिए लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा। टीकाकरण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उस सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। देखिए, जब बारी आएगी तभी हर व्यक्ति अपनी वैक्सीन के लिए जाएगा। इससे पहले कोई भी अनावश्यक रूप से टीकाकरण का प्रयास नहीं करेगा। जब जिसकी बारी आएगी उसके लिए क्रम तय कर दिया गया है और उसी क्रम से हर व्यक्ति अपना वैक्सीन लगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना चेन के संक्रमण को रोकना है, उसको तोड़ना है, और इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार ने एक उसके लिए गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन का पालन हर एक व्यक्ति को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।